उपस्थित तमाम विद्वान शिक्षक और प्यारे साथियों को सुप्रभात। शिक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामना। शिक्षा दिवस के शुभ अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक पक्की नींव पर एक सुदृढ़ भावना खड़ा किया जा सकता, उसी प्रकार से शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो विद्यार्थी रूपी नींव को सुदृढ़ करके उस पर भविष्य में सफलता रूपी सुदृढ़ भावना खड़ा करने में सहायता करते हैं और उसे एक सफल इंसान बनाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दियो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो मिलाए। प्रचलित दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब आपके सामने भगवान और गुरु दोनों ही खड़े हैं तो आप सर्वप्रथम किसे प्रणाम करेंगे? गुरु ही आपको गोविंद अर्थात भगवान तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, अर्थात गुरु महान है, इसलिए आपको गुरु का ही नमन सर्वप्रथम करना चाहिए। गुरु का महत्व ईश्वर से भी ऊपर दिया गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, शिव है, विष्णु है, गुरु सब कुछ है, इसलिए गुरु का वंदन सबसे सर्वप्रथम करना चाहिए। सम्मान के लिए किसी दिन के मोहताज नहीं, परंतु फिर भी कई देशों में शिक्षक के सम्मान के लिए एक विशेष दिन घोषित किया गया है। भारत में शिक्षा दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि बिना शिक्षा के व्यक्ति अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। वो कहते थे कि व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व भी है। अपने जीवन के महत्वपूर्ण 40 साल शिक्षा के क्षेत्र में दिया और कई विद्यार्थियों के भविष्य के लिए तैयारी। उपराष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति बने। जन्मदिन को ही भारत में शिक्षा दिवस को शिक्षक उस माली के समान है जो अलग अलग रूप रंगों फूलों से बगीचे को सजाते हैं। शिक्षक उस जौहरी के समान है जो हमें तराश कर हीरा बनाते हैं। भूगोल गणित के सवालों को आपने सुलझाया, भूगोल में अटके तो रास्ता दिखलाया, विज्ञान का ज्ञान आपने सिखलाया, शिक्षक होने का हर फर्ज निभाया। थैंक यू। शिक्षा दिवस पर भाषण। सबको सुप्रभात। मेरा नाम मुस्कान कुमारी, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं आप सभी को शिक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। हम भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षा दिवस मनाते हैं। यह दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में देश के महान विद्वान और आदर्श शिक्षक थे, तथा शिक्षक हमारे लिए दूसरे माता पिता के रूप में होते हैं। वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जिनके लिए मैं शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहूँगी और शिक्षकों के लिए तथा मैं कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अज्ञान को मिटाकर ज्ञान की रोशनी जला देंगे। गुरु के कृपा से यह अनमोल शिक्षा हमने पाया है। गुरु के कृपा से यह अनमोल शिक्षा हमने पाया है। गुरु के लिए मेरा सादर